मैं आशा, जेस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। हरी मटर की कचौरी, इस समय मटर का सीजन है तो हरी मटर की कचौरी नहीं खाए आप तो क्या खाए। तो मटर की बहुत ही लाजवाब कचौरी की रेसिपी हम आज शेयर करने जा रहे हैं आप लोग के साथ। तो वीडियो को पूरी देखें, इसका एक एक स्टेप फॉलो करें और कुछ ही मिनटों में बहुत ही बढ़िया कचौरी बनाएं। तो चलिए आज हम मिल के बनाएंगे हरी मटर की बहुत ही क्रिस्पी और करारी कचौरी। हरी मटर की कचौरी बनाने के लिए ये सबसे पहले हमें डो तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दिया है। इस कढ़ाई में हम एक कटोरी पानी डालेंगे, ये आधा कटोरी पानी और हम डालेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पर इस कटोरी से डेढ़ कटोरी पानी इसमें डाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पानी उबल रहा है। इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, थोड़ा सा ही इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। अभी यहाँ पर हम जिस कटोरी से हमने पानी डाले थे उसी कटोरी से हम यहाँ पर एक कटोरी इसमें सूजी डालेंगे। एक चम्मच यहाँ पर हम इसमें तेल डालेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सूजी ने बहुत अच्छी तरह से पानी सोख लिया है और ये एकदम परफेक्ट एकदम डो के फॉर्म में आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। कचौरी के लिए हमने सूजी का डो तैयार कर लिया है। अभी इसके लिए हम मटर का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दिया है। इस कढ़ाई में हम दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल अभी गर्म हो गया है, इसमें हम चौथाई चम्मच जीरा ऐड करेंगे और अब इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तीखा आप अपने स्वाद के हिसाब से रखें। हमने यहाँ पर दो हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। दो छोटे प्याज को हमने बारीक कट करके लिया था। तो अब यहाँ पर हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। अब हम इस प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे। यहाँ पर दो कप हरी मटर हम लिए हैं। इस हरी मटर को एक मिक्सर जार में डाल के हम दरदरा पीस लेंगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी मटर को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। ये प्याज बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। चौथाई चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। एक चम्मच यहाँ पर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ये मटर इसमें हम डाल देंगे। इसमें साथ में हम एक चम्मच बेसन ऐड करेंगे। चौथाई चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे। एक तिहाई चम्मच भुने जीरे का पाउडर, तिहाई चम्मच गरम मसाला और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें हो। अब इन सभी चीज़ों को हम चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो अब ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करेंगे और इसको हम फिर से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से भून गया है। इस कचौरी के मसाले में मिर्ची और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन मसालों में से थोड़े से मसाले कम भी कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो इसी कचौरी को आप बहुत ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे कचौरियों को तलने के लिए। अब इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे।
और इसको उंगलियों की सहायता से हम इस तरह से कटोरी जैसे बना लेंगे और इसके अंदर एक गोलाई हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से हम सभी कचौरी बना लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 कचौरियाँ तैयार कर लिए हैं। इसको भी तल लेंगे। कचौरियों को कढ़ाई में डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि तेल एकदम से ठंडा ना हो, ना ही एकदम बहुत गर्म हो। ये कचौरियां बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। लो फ्लेम पर इसको हम पलटते हुए थोड़ी देर और क्रिस्पी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूली फूली क्रिस्पी कचौरियाँ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इनको अब हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये धनिए और टमाटर की हरी चटनी और सॉस के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार ये सूजी और हरी मटर से कचौरियाँ जरूर बनाएं। उम्मीद है आपको और आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।